लाइफ में कोई भी नॉलेज तभी काम का है जब वो ऑन टाइम प्रेजेंट है, और लाइफ में मैक्सिमम समस्याएं इसीलिए है क्योंकि आपकी मैक्सिमम नॉलेज ऑन टाइम प्रेजेंट नहीं होती और इसीलिए कंफ्यूजन्स होते हैं। कमाल की बात है कि चलो लाइफ की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पढ़ाई में भी एग्जाम टाइम में भी आपके बहुत सारे आंसर्स या आपने जो भी कंटेंट याद किया है, जो भी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हुए हैं, वो टाइम पर याद नहीं आ रहे होते और इसी बात के मार्क्स कटते हैं। सोचिए ना, तैयारी तो आप 100% की करके जाते हैं, कुछ छोड़ के थोड़ी जाते हैं। सोचिए ना कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर याद करके जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर भी कुछ परसेंटेज कम आती है हमारी? क्यों वी मेक सिली मिस्टेक्स? क्यों हमें एग्जाम फोबिया होता है? क्यों एग्जाम बड़ा सीरियस माना जाता है? क्यों एग्जाम के दिनों में नींद कम आने लगती है? और क्यों ऐसा होता है कि एग्जाम में जाते जाते हमारे दिल की धड़कन तेज होती जाती है? क्यों हम एग्जाम के टाइम में ही भगवान को ज्यादा याद करते हैं और उनसे कहते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए जो हमने याद की कर लिए हैं या हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें आते हैं? ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक स्किल आज तक ट्रेंड नहीं हुई और वो है रिकलेक्शन स्किल। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे याद करें कि टाइम पर याद आए। कभी किसी ने इस बात की चिंता भी नहीं की कि कैसे याद करें कि जिंदगी पर याद रहे। मैं आपको दावा करता हूं, आप जाइए अपने टीचर के पास और बोलिए कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम याद रहे, इसके लिए मैं क्या करूं? आई एम श्योर इसका कोई सही आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम में आप इन्हीं आंसर्स को खोजते खोजते बन जाएंगे आपके दिमाग के बाहुबली। बाहुबली मूवी देखी है आपने? अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं बाहुबली मूवी से रिलेटेड, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर याद आ रहा है नहीं आ रहा। बाहुबली में दो बाहुबली थे, एक फादर बाहुबली, एक बेटा बाहुबली। बताइए जो फादर बाहुबली था, जो बड़ा बाहुबली था, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा, अमरेंद्र बाहुबली, राइट? अच्छा बताइए उसके बेटे का नाम, जो कि सेकंड पार्ट में मेन लीड करता है, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा, महेंद्र बाहुबली। बाहुबली के दोनों पार्ट के अंदर एक बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में चर्चा हुई थी, बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर ही सारी फाइट थी। आप बता सकते हैं वो साम्राज्य का नाम क्या है? मुझे पूरा यकीन है आपको याद आ रहा होगा, माहिष्मती साम्राज्य। चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली का भाई था, जो कि मेन विलन था, जिसने सारे खराब काम किए थे और जिसको एंड में मारा जाता है, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा कि भल्लाल देव वो था। चलिए बताइए भल्लाल देव ने फर्स्ट पार्ट में कौन से जानवर से पहली लड़ाई की थी? जैसे ही मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में आ रहा होगा, बुल से की थी, राइट? मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आप बिना टाइम वेस्ट किए आपका ब्रेन उसका आंसर दे रहा है, लेकिन यहां एक कमाल की और सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप बाहुबली पिक्चर देखते वक्त कोई कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक लेकर गए थे कि कभी जिंदगी में इसका एग्जाम हुआ तो इसके क्वेश्चंस तो याद करके रखें? क्या ऐसा हुआ था कि आपने ये पिक्चर याद करने के पर्पस से देखी थी? नहीं। क्या आपको पता था कि इस वीडियो में मैं इंस्टेंट आपका एग्जाम लेने वाला हूं उस मूवी का? नहीं। तो फिर आपके मार्क्स अच्छे कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यह है आपकी परमानेंट मेमोरी। कोई ऐसा फैक्टर है मूवी देखते वक्त जो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी बना रहा है, और वही सारे फैक्टर आज के फॉर्मूला में हम सीखने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई के साथ ये नहीं होता? मूवी कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते फिर भी याद हो जाती है, पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं फिर भी याद नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? तो हम इन सबके आंसर्स ढूंढते ढूंढते एक दिन आप भी बन जाएंगे दिमाग के बाहुबली। तब तक के लिए बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, जुड़े रहिए। थैंक यू।